कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने जीत दर्ज की है, जिन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और एनडीए की जीत के लिए मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगी है। बिरला साहब बहुत बधाई, क्योंकि ये जीत लगातार तीसरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनका आशीर्वाद है, उनकी नीतियों कार्यक्रम पर भरोसा है। मेरी कोशिश होगी कि कोटा बूंदी संसदीय सीट मेरा परिवार है, एक बेटे और भाई के रूप में मुझे वर्षों तक कोटा की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोटा की जनता का नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं उनकी अपेक्षा आकांक्षा पे खरा होता हूँ। बिरला साहब, जब काउंटिंग हो रही थी, किस तरह से आपके मन में चल रहा था? हालांकि एक भी राउंड ऐसा नहीं था जहाँ ओम बिरला पीछे हुए हों, लेकिन जीत का अंतर जरूर थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले नीचे उतर। चुनाव है, कुछ चुनाव के कई फैक्टर्स होते हैं और आप सब जानते हैं उन फैक्टर्स के कारण, लेकिन फिर भी सब ने सहयोग किया, सबका आशीर्वाद दिया। जिन्होंने मत दिया उन्होंने, जिन्होंने मत नहीं दिया वो भी, सब मेरे लिए अब परिवार के रूप में है। और मैं कभी भी राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक विचारों के आधार पर मतभेद नहीं करता, मैं एक परिवार के रूप में मानता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि उनके परिवार के रूप में सेवा करूँ। तीन बार विधायक और अब तीसरी बार आप MP बन गए हैं, ओम बिरला अब अपने आप को राजनीति में कहाँ खड़ा पाते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? कार्यकर्ता के रूप में काम करें, लोगों का स्वागत हो। आखिरी सवाल बिरला साहब, जैसे राजस्थान में जनादेश आया है, मिशन 25 पूरा नहीं हो पाया और मिशन 400 भी थोड़ा दूर रह गया, तो आप किस तरह से इस जनादेश को देखते हैं? हालांकि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। NDA का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा, सभी दलों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हम सब मोदी जी के समर्थन में हैं। नेतृत्व में सरकार बनी है और मोदी जी NDA के नेता है, निश्चित रूप से देश के अंदर और तरह। सर, कोटा के लिए तीन प्राथमिकताएं, आप तीसरी बार MP बने हैं, सब जनता ने बताई, सब प्राथमिकता मेरे लिए प्रथम है। हमारी कोशिश होगी कोटा को उस प्राथमिकता को पूरा करूं जो सब कोटा की जनता मानती है। तो जो वादे किए हैं और जो प्राथमिकताएं पहले से तय थी, चुनाव में जनता ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर कोटा को आगे ले जाने की बात ओम बिरला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि NDA तीसरी बार सत्ता में आ रही है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी, लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भी, बिरला उसी मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं जिस मोदी मैजिक की बात वो लगातार चुनावों में करते रहे और जिसके दम पर एक बार फिर से NDA तीसरी बार देश की सत्ता में वापसी कर रहा है। हालांकि मुकाबला नज़दीकी रहा और 35-40 हज़ार के अंदर ही पूरा का पूरा जीत का अंतर सिमट के रह गया, लेकिन फिर भी बिरला को कोटा से लगातार जीत मिली और ये उनके पॉलिटिकल करियर की लगातार छठी जीत है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर S. चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।